बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल बन गई मुल्क की, मुल्क जो सा काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है और अभी तक जो सा है इसको सेट नहीं कर पा रहे। बिजली का बहरान है, बिजली के जो बिल आ रहे हैं गवर्नमेंट जो सी है, आप लोगों ने कहा था कि जी 300 यूनिट तक जो सा बिजली फ्री देंगे, वो किधर गई है 300 यूनिट, किधर गई है आप लोगों की बातें? हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, हमने कहा था हम गवर्नमेंट में आएंगे तो ऐसी पॉलिसीज अख्तियार करेंगे जिसके नतीजे में हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है, गवर्नमेंट टैक्सेशन से ही चलेगी ना, टैक्स देने को तैयार कोई नहीं। और जब गवर्नमेंट टैक्स के लिए बात करती है तो आप कहते हैं जी कि टैक्स कलेक्शन को ठीक करें। कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर टैक्स पब्लिक नहीं दे रही? हर चीज़ पर तो टैक्स लगा दिया गया, हर तरीके से जो है आवाम को निचोड़ दिया गया है, क्यों नहीं आप लोग जो से खासतौर पर हमारे सियासतदान जो से हैं अपनी जो फजूल खर्चियाँ हैं उस पर क्यों नहीं मतलब आते आप लोग, और क्यों नहीं उसको जो है बंद करते फजूल खर्चियों को जिससे आवाम को जो रिलीफ मिल सके? पहली बात तो ये है कि सारे टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, यानी सर तमाम पर तो नजराना डालें आप लोग जो से, कहां से लाए सर आपके जो से एमएनए एमपी हैं हाँ। सर वो काफी लोग ऐसे जो नहीं मतलब ये देते, क्यों नहीं आपके कानून आप ना देते? आप मुझे बताइए, मैं उनकी शिकायत करूंगा कि फलाना एमपी एमएनए टैक्स नहीं दे रहा, मैं उसकी शिकायत करूंगा। सर गवर्नर की सीट मिलने जा रही थी आपको, उस पर क्या एतराज हुए हैं, क्यों मतलब गवर्नर की सीट नहीं दी गई? गवर्नर की सीट तो जमात ने देनी थी, जिसको दिया वो भी पीपल्स पार्टी। सर बाद में बताया जा रहा था कि ये गवर्नर के साथ बाद आपको कोई और सीट दी जा रही है, उस पर आपको लेकर आया जा रहा है, अभी तक जो सी ऐसी अफवाहें हैं क्या इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है कि आपको जो था वजारत दी जा रही है? सदर जो से पीपल्स पार्टी के हमारे आसिफ अली जरदारी साहब थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो से शहबाज शरीफ साहब थे, तो क्या मामला बने हैं, क्यों इख्तलाफात हो गए? इख्तलाफ नहीं है, हमारी हुकूमत आपस में बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। नाजिन आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट, मैं हूँ आपका मेजबान राहुल फीक, मेरे साथ मौजूद हैं मजमान कायर साहब, इस तारीफ के मुताबिक नहीं इस्मान नजीर कादी साहब, इमरान गुजर साहब मौजूद हैं, आज मैं उनके डेरे में मौजूद हूँ। बहुत सी बातें होंगी, तलख सवाल होंगे और तलख जवाब उनसे कमर जमान कायर साहब देंगे, यही हकीकत है कि ये कभी भी जिस वक्त भी हमने इनसे सवाल किए कभी नाराज नहीं हुए और जितने सख्त सवाल करते हैं उसी तरीके से जवाब देते हैं। ये सर सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। बताइएगा कि वो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब हैं, नू लीग और पीपल्स पार्टी, उनका इक़्तिहाद हुआ था, सदर जो से पीपल्स पार्टी के हमारे आसिफ अली जरदारी साहब थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो से शहबाज शरीफ साहब थे, तो क्या मामला बने हैं, क्यों इख्तलाफात हो गए? कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी हुकूमत आपस में बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। सर बजट में आप लोगों ने जो से इनका साथ नहीं दिया, उसके बाद फिर काफी देर तक आपका पास कैसे हो गया, हमने साथ नहीं दिया सर, वो तो बाद में आपके जो से मामला थे उसमें आपके दो हिस्से हैं इसके। बजट के अंदर स्पीच के ऊपर जब थी तो हमारी जमात ने अपने कुछ तहफात का इजहार किया। जब भी कोई कोलेशन गवर्नमेंट बनती है, इतिहादी हुकूमत बनती है, तो इत्तेहादी एक जमात के तो नहीं होते, मुख्तलिफुल ख्याद जमातों के लोग होते हैं और वो जमातें आपस में तय करती हैं कि हमने आइंदा गवर्नमेंट कैसे चलानी है, आप कौन सा अहदा लेंगे, मैं कौन सा अहदा लूंगा, डेवलपमेंट कैसे कराएंगे, फलां कैसे करेंगे। अगर तो एक जमात हो तो उसका एक मंशूर होता है, मुख्तलिफ मंशूरों वाली जमातें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर वो लिख के आपस में वादे कर लेती हैं ताकि कल कोई भाम ना आए। हमारा भी इसी तरह का एक लिखा वादा है, इसी तरह इमरान खान साहब का हमसे पहले उनका एक मुआहदा था जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसके साथ बाकी जमातों के साथ, उसके ऊपर अमल दरामद में गवर्नमेंट का कुछ पसो पेश था कह लीजिए, या उस पर अमल दरामद प्रॉपर नहीं हो रहा था, उसके ऊपर हमारी जमात ने बारहा उनको यादाश्त भी कराई और एक छोटा सा टोकन एहतजाज किया कि बजट तकरीर के अंदर नहीं गए। उसके बाद बैठ के मीटिंग हो गई, बात मामले तय हो गए। सर गवर्नर की सीट मिलने जा रही थी आपको, उस पर क्या एतराज हुए हैं, क्यों मतलब गवर्नर की सीट नहीं दी गई? गवर्नर की सीट तो जमात ने देनी थी, जिसको दिया वो भी पीपल्स पार्टी है, किसी और को देते मुझे देते किस, ये तो मैं भी एक उम्मीदवारों में से था ना, मेरे बारे में लोगों का ख्वाहिश थी तो बाकी भी पीपल्स पार्टी है उनका भी हक है, हर दफा मुझे ही तो नहीं पार्टी ने देखा। सर बाद में बताया जा रहा था कि जी गवर्नर के साथ बाद आपको कोई और सीट दी जा रही है, उस पर आपको लेकर आया जा रहा है, अभी तक जो सी ऐसी अफवाहें हैं क्या इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है कि आपको जो था वजारत दी जा रही है? देखिए मेरी जमात ने हमेशा मेरी इज्जत रखी है, मुझे वजारतें दी हैं, गवर्नरी दी है, ऑलरेडी मैं गवर्नर रहा हूँ, मुझे मशीर बनाया है, मैं असेंबली का मेंबर था तो वजीर था, मैं असेंबली में नहीं था तो वजीर था, मुझे पार्टी के अहदे दिए हैं, मैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ पार्टी का, मैं पंजाब का सदर रहा हूँ,
सो मेरी जमात तो हमेशा मेरी इज्जत करती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये फैसले हर वक्त आपके हक में नहीं होते, बाकी भी पार्टी के लोग होते हैं, उनका भी उनका हक है। सर जितनी मेहनत आप करते हैं, जिस तरीके से आप पार्टी को लेके चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपका एक नाम है और कमर मन कर जो सर इस नाम से पहचाना जाता है। सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है मुल्क की, मुल्क जो सा काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है और अभी तक जो सा है इसको सेट नहीं कर पा रहे, बिजली का बहरान है, बिजली के जो बिल आ रहे हैं गवर्नमेंट जो सी है, आप लोगों ने कहा था कि जी 300 यूनिट तक जो सा बिजली फ्री देंगे, वो किधर गए 300 यूनिट, किधर गई है आप लोगों की बातें? हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, हमने कहा था हम गवर्नमेंट में आएंगे तो ऐसी पॉलिसीज इख्तियार करेंगे जिसके नतीजे में हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है, हम सदर हाउस की हद तक हैं, हम उनको बजट में सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोशां हैं। इस वक्त आवाम को सस्ती बिजली, सस्ता तेल, सस्ती अशिया चाहिए, बिलाशुबा बहुत महंगाई है, लोग बहुत तंग हैं। बावजूद इसके कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में इजाफा 25% किया गया है, लेकिन फिर भी तकलीफ है। लोगों के मुनाफों में भी बेहतरी आई है, फिर भी तकलीफ है, टैक्सेशन तो है, और ओवरऑल मौशी तौर पर बेहतरी आई है वैसे, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में ज़रा तकलीफ है। गवर्नमेंट टैक्सेशन से ही चलेगी ना, टैक्स देने को तैयार कोई नहीं, और जब गवर्नमेंट टैक्स के लिए बात करती है तो आप कहते हैं जी कि टैक्स कलेक्शन को ठीक करें, टैक्स की मशीनरी, तो मशीनरी कहाँ से लेके आएंगे, अमेरिका से या बरतानिया से लोग लाने हैं, यही टैक्स की मशीनरी जो काम कर रही है इसी ने करना है। सो इसके ज़रिए से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इस वक्त बिजली का एक संजीदा इशू बना हुआ है, सीरियस इशू है। वजह यह है कि बिजली पैदा महंगी होती है, अब चोरी हो रही है, जिन इलाकों में चोरी हो रही है, फर्ज करें फाटा, उन इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में कुछ एरियाज के अंदर बिजली चोरी होती है बहुत ज़्यादा, कहते हैं जी बिजली चोरी रोक दें, जहाँ पे आपकी फौज एक आध गाड़ी में नहीं जा सकती बल्कि पूरे कानवाय में जाना पड़ता है, इसके बावजूद हमारे अफसर और जवान रोज शहादतें पा रहे हैं, वहाँ वापदा का हमला, उनके पास कौन से हथियार होते हैं और कौन सी बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं। सिंध के अंदर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक तसलसल पिछले 6 महीने से ऑपरेशन जारी है, रेंजर्स और पुलिस मिल के, तो जब जिन इलाकों के अंदर ये सूरत हाल लाइन रोड के, बलूचिस्तान का भी यही हाल, तो बलूचिस्तान के अंदर जो मेजर बिजली का प्रॉब्लम था वो ट्यूबवेल्स के जरिए था, उसका वजीर आजम ने फैसला किया है कि हम उनको सोलर ट्यूबवेल लगा के देते हैं ताकि वो बिजली चोरी के निज़ाम से जान छूटे। इसी तरह बाकी जगहों पर भी कोशिश की जा रही है, तो ये एक संजीदा सवाल है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पर इसका असर कम हो। सर अभी आपने बात की है कि लोग टैक्स देने को तैयार नहीं, मुझे सर बताइएगा कि एक कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर टैक्स पब्लिक नहीं दे रही, हर चीज़ पर तो टैक्स लगा दिया गया, हर तरीके से जो सर आवाम को निचोड़ दिया गया है, क्यों नहीं आप लोग जो से खास तौर पे हमारे सियासतदान जो से हैं अपनी जो फजूल खर्चियाँ हैं उस पर क्यों नहीं मतलब आते आप लोग, और क्यों नहीं उसको जो है बंद करते फजूल खर्चियों को जिससे आवाम को जो रिलीफ मिल सके? पहली बात तो यह है कि सारे टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, हमारा टैक्स GDP जो है वो 9.5% है, ये इसको 13-14% 15% पे लेके जाना पड़ेगा जी सर, बहुत सारा सेगमेंट जो है वो टैक्स नेट से बाहर है। आप बाजारों में जाएं, लाला मूसा शहर का कितना टैक्स इकट्ठा होता है पता है आपको? किसी वक्त टैक्स वाले से पूछिए कि इस पूरे शहर का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो कितना है, पूरे ज़िले का कितना टैक्स आता है और ज़िले पर कितना खर्चा होता है, ये जो पुलिस है, हेल्थ है, रेलवे है, फलान है, ये जितने डिपार्टमेंट हैं, इरीगेशन है, इन सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, दिफा के ऊपर गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है, ये खर्च आवाम के लिए ही है। ठीक है अगर पुलिस का निज़ाम ख़राब है इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये पुलिस भी ख़त्म कर दी जाए, इस पर पैसे ना लगाए जाए, तो क्या हम आसानी से अपने घरों में रह सकेंगे? फिर तो चोर उचक्के हमें घरों में ना रहने दें, यही पुलिस है जिसको हमने ठीक करके ऐसे काम लेना है। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारी गवर्नमेंट के इदारों की परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट चाहती है, लेकिन उसके लिए भी खराजात चाहिए। हम जो कह रहे हैं ना कि हर बंदा टैक्स देता है, ऐसा नहीं है, जो देता है वो कम है। अब जो कहते हैं कि जी जो नहीं देते उनसे ले लो, तो उनसे किसने लेना है? जिस मशीनरी ने लेना है वो हमारे ही बच्चे हैं, वो आपके मेरे हमारे दोस्त हैं, अजीज है, उसी मशीनरी ने आगे काम करना, कोशिश कर रहे हैं,
जी आस्ता आस्ता बेहतरी आनी है सर, तमाम पर तो नजर ना डाले। आप लोग जो से, कहां से लाए सर, आपके जो से एमएनए भी है सर, वो काफी लोग ऐसे जो नहीं मतलब ये देते, क्यों नहीं आपके कानून आप ना देते? आप मुझे बताइए, मैं उनकी शिकायत करूंगा कि फलाना एमपी एमएन टैक्स नहीं दे रहा, मैं उसकी शिकायत करूंगा। मैं तो कहता हूं कि अशराफिया भी टैक्स कम देती है, उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। यही तो मैं चीख रहा हूं कि जिस टैक्स की मशीनरी ने टैक्स लगाना है उसको हटा के नए लोग कहां से ले आए? सर सर मुझे एक बात बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तो मैं तो कल का बच्चा हूँ, आपके गोद में खेला हूँ, आपके हाथों में खेला हूँ और यहाँ तक मतलब पहुंचा हूँ, आपसे आज बैठ के बात कर रहा हूँ। सर मुझे बता दीजिएगा सर, जो इस वक्त मुल्क के हालात बन चुके हैं, चोर डाकू लटेरे फलान डुमका, सर ये बातें जो कर करके मुल्क को एक निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया इसका तमाशा देख रही है, कि उस पर मुझे बताइएगा कि जो इन्होंने फैसला किया 8 जजों ने, क्या मुतमिन है आपकी पीपल्स पार्टी? नहीं, पहली बात यह है कि फैसले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका जो है वो मुतमइन नहीं है। फैसले में वो बातें कर दी गई हैं, वो रिलीफ दे दिए गए हैं, वो बात सारे बसाने में जिसका जिक्र न था वो भी छेड़ दिया गया है, तो वो तो एक अपनी बहस है उसके ऊपर। लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त बेचैनी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश है, ये ग्रेजुअल होनी है ना। गवर्नमेंट आए 2 महीने 2.5 हुए हैं या 3 हुए हैं, गवर्नमेंट को हटाने के लिए सारा सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो बेचैनी के साथ गवर्नमेंट चैन से गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे। और इसके बावजूद अगर हम इंडिकेटर्स देखते हैं तो बेहतरी के आसार शुरू हुए हैं। ये एक दम देखिए ना, टैक्स टैक्स कम कर दिया जाए, लोगों को सस्ती अशिया दी जाए, इसके लिए पैसा कहाँ से आए, कहाँ से लाना है पैसा? साफ जाहिर है टैक्स ही इकट्ठा किया जाएगा ना। तो जी टैक्स नहीं देना और रिलीफ मांग रहे हैं, इसका क्या इलाज है? तो सर क्या समझते हैं कि जी जो आप इस वक्त जो आखिरी कहते हैं जी हम ले रहे हैं ये IMF से, उसके बाद हम नहीं लेंगे, स्कूल टूट जाएगा, इसमें हकीकत है? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, कशकोल तभी टूटेगा जब हमारी आमदन हमारे खर्चे से बढ़ जाएगी। इस वक्त हमारा खर्चा ज्यादा है और आमदन कम है, कर्ज लेना है, उसके अलावा गुजारा नहीं है। तो क्या और जब आमदन बढ़ जाएगी हमारी इंडस्ट्री चलेगी, लोग टैक्स देना शुरू करेंगे, हमारे ट्रेड बेहतर होगी, पैसे गवर्नमेंट के पास ज्यादा होंगे तो कर्ज नहीं लेगी, फिर IMF से जान छूटेगी। सर क्या समझते हैं आप कि जो आप कहते हैं कि जी 5 साल पूरे होने चाहिए, 5 साल तक जो सही है ये हुकूमत रहनी चाहिए, 5 साल में आप देखते हैं कि क्या आप साथ मिलकर नवाज शरीफ के साथ मिलकर इसको लेकर चलेंगे और महंगाई में बेहतरी आ जाएगी, आवाम को सहूलतें मिलनी शुरू हो जाएंगी? जी कोशिश तो यही है, इसी कोशिश के लिए ये इत्तेहादी हुकूमत बन के चल रही है। ये तो 72-75 साल हो गए इस चीज को कोशिश करते हुए मुल्क के। ये फरमाइए अगर इस हुकूमत को हटा के दूसरी कोई हुकूमत लानी है वो कौन सी? सर मैं तो नहीं कहता, नहीं फर्ज कर, मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर आएंगे तो वही लोग, वही लोग आएंगे, वही आएंगे, बल्कि उससे ज्यादा मामला खराब हो जाएंगे। क्या करें जब नहीं होंगे मामला, फिर इसी पे गुजारा करके ना चलाएं। ये गवर्नमेंट जो है ये अपने तसलसल से काम करे, कोशिश करे, कुछ चीजों को बेहतर करे, कल ये आए या कोई और आए वो वहां से खड़ा होकर आइंदा लेके चले। ये जो हमें ख्वाब दिखाए गए हैं ना, और हम ख्वाब देखना शुरू हो गए, ख्वाब तो जुर्म नहीं है, हम शराब देखना शुरू हो गए, वहमों में पड़ गए हैं। ये जो कहा जाता है ना एक चुटकी बजाने से करप्शन खत्म हो जाएगी, नहीं सर, ये तो एक चुटकी बजाने से मैं बाहर से पैसा ले आऊंगा, खजाना भर दूंगा, ये चुटकियों ने और अचानक कर देने ने ये जो हमारे ख्वाब है इसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। आज हम जिस चक्कर में बैठे हैं कि एक मसीहा आएगा और वो अचानक हमारा सारा मुल्क ठीक कर देगा, वो अचानक पाकिस्तान का खजाना भर देगा, वो अचानक हमें नेक इंसान बना देगा, कैसे बना देगा, कहाँ से बना देगा? अब जिस वक्त आप लोग हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, कौन लोग तो उनको बताएंगे कि यार जो हालात इतने ज्यादा हो गए कि लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं? राव साहब पाकिस्तान में कभी कोई बजट आवाम का पसंदीदा बजट नहीं रहा। आजकल के बजट जो उसमें टैक्स ज्यादा करने हैं, आमदन बढ़ानी है, ये कभी भी आवाम का पसंदीदा नहीं हो सकता। अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा 25% हुआ है सरकारी मुलाजमों के, तो सदर हाउस के खर्चे में भी इजाफा, उसके मुलाजमों की तनख्वाहों में भी इजाफा होना है ना। अगर बिजली के नरख बढ़े हैं तो सदर हाउस की बिजली भी तो महंगी हो गई है ना सर। अगर वहां तेल है तो तेल भी तो महंगा हो गया है। सर आपकी बात दुरुस्त है, 25% अगर इजाफा हुआ है, सर मुझे बताइएगा 25-30% इजाफा के साथ साथ उनके ऊपर टैक्स भी तो लगा दिया गया है ना। कितने परसेंट लगाया? 4%, 5%। मगर सर वो मुलाजमीन तो रो रहे हैं, कहते यार हमारा जो है ये इस पे टैक्स इतना है कि उतनी तनख्वाह कट जाएगी जितना टैक्स लगा दिया गया। हमने अपने दौर में 50% तनख्वाहें बढ़ाई तब भी लोग रो रहे थे, तब भी लोग कहते थे कम है। सो ये मुतालबा करते रहना लोगों का हक है, वो करते रहेंगे, लेकिन देखिए क्या गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं कि गवर्नमेंट नहीं दे रही।
है, अगर वसाइल नहीं है तो गवर्नमेंट तनख्वाहें कितनी बढ़ाए, जितना उसको पता है उसके पास वसाइल है या पैदा करने हैं उन्हीं वसाइल के अंदर चलना है ना। सर क्या चीफ जस्टिस को मजीद जो है टाइम देंगे आप? पता नहीं, इसका तो ऊपर तो कोई बहस ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं होगा। सर अभी जो सर तकरीबन 2 या 3 माह तो रह गए उसके, तो उसमें तो अभी जो सूरत हाल बन रही है देख रहे हैं लोग। जितने भी माह हैं जी वो तो अपनी मुद्दत है उनकी, वो तो उन्होंने पूरी करनी है, उसके बाद ऐसी कोई मूव हुकूमत की तरफ से अभी तक तो नहीं। तो ये अपना हमारे जनरल साहब जो से हैं उसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा मजीद? अजीज ये बात मेरे इल्म में तो नहीं है, मेरे कतन इल्म में नहीं है, ये तो हुकूमत का अपना प्रेरोगेटिव होता है। अभी तक ऐसा कोई मामला डिस्कशन में हुकूमत के कार्ड्स पे नहीं। सर हमारे शहर में जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के रिजल्ट आए हैं, बहुत तलबा तलबात ने बहुत अच्छे नंबर अच्छी पोजीशनें ली हैं, तो उस पर आप तलबा तलबात को क्या पैगाम देंगे सर? यकीनन मैं उन बच्चों को बच्चियों को मुबारकबाद दूंगा, उनके वालदैन को मुबारक दूंगा, उन असातिज़ा को मुबारक दूंगा और उनको शाबाश कहूंगा कि उनकी मेहनत से उनके बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। तो लोग अब ये अमल शुरू होना चाहिए क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों की नस्बत बेहतर है, बहुत बेहतर होगी, और अगर वो थोड़ा मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो ये रिवाज हम देखेंगे कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे उठा के सरकारी स्कूलों में डालेंगे। हमारे यहाँ एक बीमारी हो गई है राव साहब, हम जो थोड़े बहुत खाते पीते लोग होते हैं ना हम सरकारी अस्पताल से इलाज कराना बेइज्जती समझते हैं। ठीक है, किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा जाके सरकारी स्कूल में पढ़े तो हम कहते हो ये तो बड़ा काम गलत है, ये हमारा जो स्टेटस है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों से सरकारी अस्पताल बेहतर है, बेहतर है, वहां दवाइयां भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मशीनें भी हैं, सब कुछ है, वहां नहीं जाते। आप कभी गए? मैं कभी गया हूँ, इधर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं हम सब, बिल्कुल ऐसे ही। सो ये एक हमारे अपने अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है, और इंशाल्लाह अगर हमारे असातिज़ा मेहनत जारी रखेंगे तो वो वक्त बहुत करीब होगा कि लोग प्राइवेट सेक्टर से बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी स्कूल में डालेंगे। आखिर में मैं आपसे बात करूंगा कि आप कह रहे हैं कि जी वाकई बहुत ज्यादा जो है महंगाई हो गई है, तो हमारे यहाँ पे मिलावट वाला दूध फरोख्त हो रहा है 220 रुपए में, हमारे एसी साहब डीसी साहब जो है उस पर नोटिस नहीं देते, टमाटर जो है 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुझे बताइए कि मंडियों की हालत ऐसी है कि यहाँ पर जो है अपनी मनमानियों के रेट बनाई जाती है, उसके मुताबिक जो है लोगों को डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करता हूँ कि ये जो मनमानी चल रही है बंद की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कमल मरकर साहब आपने हमें जो अपना कीमती वक्त दिया और हमारे पब्लिक पॉइंट के साथ जो था आपने आज गुफ्तगू की, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। इसके साथ इजाजत दी अपने राहुल फीक मोहम्मद शफीक और मरकर कादी साहब को लाभ।